मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि आप अपने विचारों से हम सब लोगों को अवगत कराएं सर। ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक्शन टेकन मॉड्यूलर का लॉन्चिंग के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायती राज के सचिव सुनील कुमार जी, जिन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दिया, आलोक नागर जी, हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, विविध राज्यों से जुड़े हुए आरडी, पंचायत राज, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, आज का दिन सही मायने में देखा जाए तो एक पंचायत राज व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वो इसलिए मील का पत्थर साबित होगा कि केंद्र सरकार के माध्यम से कैप्टन फाइनेंस कमीशन हो या केंद्र पुरस्कृत योजना के माध्यम से जो भी पंचायतों के लिए फंड जाता है, वो स्वच्छता का हो, जल जीवन मिशन का हो, कैप्टन फाइनेंस कमीशन का हो, ये सारे गांव के विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदान को कंट्रोल में रखने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज तक तो ऐसे हम लोग कहते थे कि एक पंचायत को फंड गया तो ये पंचायत का फंड है, लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये खाली पंचायत का फंड नहीं होता है, गांव के हर एक नागरिक का फंड होता है, क्योंकि गांव के विकास के लिए फंड दिया हुआ है। और ये ऐप के माध्यम से अभी ये सुनिश्चित होगा कि गांव का हर एक आदमी ये ऑडिट रिपोर्ट को ऑनलाइन देख पाएगा। जो कैग ने कुछ रिपोर्ट दिया है, एजी ने कुछ दिया है, 31 दिसंबर तक अगर वो पब्लिश नहीं करते पंचायत, तो अपने आप ऑनलाइन भी देखने की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि पंचायत सशक्त होगी ही, पंचायत करप्शन फ्री होगी, पंचायत का अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगा, उसके साथ साथ गांव की ग्राम सभा, गांव का हर एक नागरिक भी सक्षम होगा कि उसका भी ध्यान रहेगा कि मेरे लिए जो फंड आया वो फंड मेरे लिए खर्चा हुआ कि नहीं, मेरे गांव के विकास के लिए लगा या नहीं लगा, ये उसको घर बैठे ऑनलाइन ये पता चलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी के मार्गदर्शन पर, हमारे सचिव सुनील कुमार जी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि पंचायत राज मंत्रालय, जिनके माध्यम से गांव के विकास के लिए जो फंड जाता है वो फंड उसी के लिए खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी किस तरह से रखी जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पंचायत राज मंत्रालय बहुत छोटा है, लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि इससे बड़ा कोई मंत्रालय है ही नहीं। ये 6 लाख गांवों में पहुंचने वाला कोई भी मंत्रालय नहीं है, लेकिन 6 लाख गांवों में हम हमारे मंत्रालय के माध्यम से नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए राज्यों की जिम्मेदारी है कि अपने हिसाब से आप इसको किस तरह से निगरानी कर सकते हो और इसको पंचायतों में किस तरह से अवेयरनेस लाके इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं, इसके लिए राज्यों को भी प्रयास करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है, क्योंकि तो अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं तो इसके पहले कई बार मैंने कहा है कि अभी हमारी पंचायतें इतनी सक्षम हुई है कि प्रोग्राम से लेके पेमेंट तक के सारे काम डिजिटली हमारी पंचायतें करने लगी। लेकिन आज के इस ऐप के लॉन्चिंग से मैं एक और बात कहूंगा कि किसी भी काम के अमल से ऑडिट तक
अगर ये अचीवमेंट हम लोग कर पाए कि अमल किसी काम का किस तरह से होता है और ऑडिट ऑडिट तक इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हमारे मंत्री जी की अपेक्षा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि गांव को किस तरह से हम गांव का काम, पंचायत का काम पारदर्शी करने के लिए अपना योगदान दे, इसका निश्चित तौर पर ये ऐप का फायदा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अभी ये पंचायतों का एक्शन टेकन रिपोर्ट, इसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अभी नागर जी ने कहा कि राजकोट का सबसे ज्यादा ऑडिट प्यारा आया है, तो अभी जिसका ज्यादा ऑडिट प्यारा आया है उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होगी। मैं तो ये कहूंगा कि ये एक्शन टेकन रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देके हमारा प्यारा ही न आए, इसके लिए अगर हम लोग कुछ अपने हिसाब से अपने पंचायत में प्लानिंग करने के लिए, जैसे सुनील जी ने कहा कि एक कमेटी का गठित आप कर सकते हो क्या, वो करके अगर करेंगे, और ऑडिटर अभी लगभग मुझे लगता है संख्या कुछ 9382 है, तो मैं ये चाहूंगा ऑडिटर तो अपना रिकॉर्ड देख के ऑडिट करेगा, अपना नोटबुक देख के करेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जब ऑडिटर पंचायत में जाए तो ग्राम पंचायत का इतना दबाव, ग्राम सभा का इतना दबाव पंचायतों के ऊपर हो कि जो फंड गया है, जो अनुदान गया है, वो अनुदान के माध्यम से पूरा पैसा यूज करके गांव में विकास करे, ताकि ऑडिटर को नोटबुक में देखने की जरूरत ना पड़े, वो काम देखे और ग्राम सभा पंचायत की सिफारिश करे कि हमारी पंचायत ने जितना भी हमारे भी अनुदान आया 100% बिना करप्शन के खर्चा किया। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ग्राम सभा का होगा। ऑडिटर तो अपना काम करेंगे, लेकिन राज्यों को है कि हमारे ग्राम सभा को इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोलिंग कर सके, इसके लिए सक्षम करने का काम अगर कर पाए तो निश्चित तौर पर एक इसमें क्रांति आ सकती है, ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई एक रास्ता हम लोग बंद कर देते हैं तो लोग दूसरा रास्ता खोलते हैं। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, एक राजा के राज में एक बहुत ही करप्शन करने वाला अफसर था, राजा को बड़ी चिंता थी कि इसको कहां पे ट्रांसफर करे कि वो करप्शन ना करे, तो सारे सलाहकार थे उनको बुलाया जाता है, सलाहकार कहते हैं कि महाराज अपने राज्य में एक समंदर है, इसको समंदर के किनारे इसका ड्यूटी लगा दो और इसको बोलो कि दिन भर में कितनी लहरें आती है, ये लहरें गिन के शाम को हमें रिपोर्ट करो। अब ये आदमी परेशान हो जाता है, उसके दिमाग में रहता है कि भले मुझे लहरें गिनने के लिए रखा लेकिन मैं करप्शन कैसे करूं, वो वही सोचते रहता है। एक दिन उसको आइडिया आ जाती है, वो दिमाग लगाता है, जो समंदर से जहाज आते जाते रहते हैं उनको पकड़ के लेके आता है किनारे, बोलता है कि मुझे राजा ने तो लहरें गिनने का काम दिया है, जब आप समंदर से गुजरते हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं लहरें गिन नहीं पाता हूँ, मैं तो रिपोर्ट करूंगा तुम्हारा आना जाना बंद कर दूंगा। मतलब वो लहरें गिनने के लिए रखा उसमें भी उसने रास्ता ढूंढ लिया। तो इसलिए ऑडिटर अपना काम करेगा, लेकिन ग्राम सभा अगर इसके ऊपर ध्यान देगी तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक गांव श्रेष्ठ गांव जो संकल्पना है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसकी तरफ बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और प्रधानमंत्री जी का फोकस इससे संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आपको कहूंगा गांवों के ऊपर कितना है। अभी हमारे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, वो बैठक में प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज मंत्रालय के दोनों इश्यू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को जो प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाते हैं उसके बंटवारे में लोगों को सम्मिलित करके, बैंक को सम्मिलित करके, इसका गांव में जाके अगर किसी को हम लोग बैंक के माध्यम से उसको घर बनाने के लिए या उसको कोई दुकान बनाने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर लोन दे सकते हैं क्या, एक ये हुआ, और दूसरा हमसे ही संबंधित है, 15 फाइनेंस के विषय से है। उन्होंने कहा कि
50,000 करोड़, 60,000 करोड़, वंदे भारत, ये रोड जो बनते हैं, ये ट्रेन बनती है, इसका ओपनिंग तो होते ही रहता है। इसका सामान्य नागरिक को क्या लाभ है ये वो जानते हैं, लेकिन हम लोग अगर छोटे छोटे काम, जैसे हमारे 15 फाइनेंस कमीशन से जो काम होते हैं, वो काम का हम लोग ओपनिंग करके लोगों को समर्पित कर सकते हैं क्या, ताकि उनको फायदा, ये जब हम करना चालू करेंगे तो ऑडिट के साथ साथ हमारे पास ये भी जानकारी आएगी कि यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन से ये काम हुआ है। वो काम अगर हुआ है तो ही उसका इनॉग्रेशन होगा। तो इसके साथ इसको भी हम लोग कैसे ज्वाइंट करके ऑडिट करते करते वो काम के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, तो ये भी प्रेशर बना रहेगा उनके ऊपर कि आगे चल के दिल्ली से इनॉग्रेशन इस काम का होने वाला है तो काम दिखाना पड़ेगा। इसलिए ऑडिटर को भी इसका सपोर्ट मिलेगा, ग्राम सभा को भी सपोर्ट मिलेगा, और निश्चित तौर पर जो जिस सोच से हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च किया है, इसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। मैं जिला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जिला पंचायत के सीईओ, इनको भी एक जिम्मेदारी देना चाहूंगा, आपको वो उनको बताना है क्योंकि वो तो अभी ज्वाइन नहीं है, उनको भी इसके ऊपर निश्चित तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि तो छोटा छोटा काम होता है, कोई कंप्लेंट आई तो ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए वो भी आप राज्य अलग अलग राज्यों से जितने भी अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, इनको ये बात नीचे तक कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं, ये उनको भी अलर्ट करके वो भी अगर इसमें अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर उसमें और सरलता आ जाएगी, ऐसा मैं कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। मैं आज के अवसर पर जितने भी राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बिजली की बचत यानी बिजली की उत्पादकता, इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि भले ये ऐप लॉन्च किया है लेकिन कम से कम एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर रहेंगे तो इसकी सही मायने में ज्यादा उपलब्धता होगी, ऐसे मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। कम से कम एक्शन टेकन रिपोर्ट आए, इसके लिए हम सारे लोग अगर प्रयास करेंगे तो हम अच्छी तरह से गांवों का विकास करके गांव को सही मायने में, प्रधानमंत्री जी की सोच है, मोदी जी की जो सोच है कि शहर में जो विकास है वो गांव में मिले, वो करने में निश्चित तौर पर हमें आसानी होगी। और ये विश्वास जब हम पैदा करेंगे हमारे लिए, तभी जैसे हमारे सचिव सुनील सुनील जी ने कहा कि 16 फाइनेंस कमीशन में हम ज्यादा फंड मांगने के लिए सक्षम होंगे, हम उसके लिए खुद को तैयार करने के लिए आज से संकल्प करें कि आज हमारा 2,36,000 करोड़ का इसका बजट है, तो आगे चल के इसको 4 लाख के ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि तो हम हमारे काम के माध्यम से विश्वास पैदा करें कि पंचायतों को जो डिवोशन का डायरेक्ट फंड जाता है फाइनेंस कमीशन का, वो फंड के माध्यम से गांव इसी तरह से सक्षम हुए हैं, गांव का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ है कि गांव के विकास के लिए और ज्यादा पैसा देना चाहिए। इसके लिए हमें हमारे पूरे सिस्टम को, पंचायती राज सिस्टम को, खुद को सक्षम करके खुद के लिए विश्वास निर्माण करने की आवश्यकता है। ये सब मिलके हम लोग विश्वास निर्माण करके और पंचायतों को सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से ज्यादा अनुदान कैसे मिले इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो पंचायतों के विकास के लिए एक अच्छी बात होगी। मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।